अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रैवल एंड डिस्कवर की जानिब से मैं हूँ आपको सलाह जमाल। जैसे कि आपको पता है हम संडे के संडे निकलते हैं, उसके अलावा भी और जगहें जाते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो कि बहुत खाई जाती है इस एरिया में, बहुत फेमस है। नॉर्मली ये आपको हर गली मोहल्ले में मिलती है, जो कि है गोलगप्पे और चाट। गोलगप्पे बनाना हर किसी की बात नहीं होती, गोलगप्पे का मज़ा ही वो है जब भरा हो। इनको आपको गोलगप्पे दिखाते हैं, कितने ज़बरदस्त इनके गोलगप्पे, आपको देखते ही लगेगा वाकई इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। इसकी लोकेशन भी हम आपको आगे जाके बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको कितना टाइम हो गया इधर ठेले लगाते हुए? इधर तो तकरीबन सर 1.5 साल हो गया, उससे पीछे 20 साल पीछे लगाते रहे। यहाँ पीछे लगाया 2 साल, डेंजर की वजह से हटा देते हैं मोबाइल वगैरह से। अच्छा, तो पीछे 5 साल लगाया था। तकरीबन 20 साल आपको लगाते हुए हो गए? रेगुलर खानदानी काम। मैं भी बचपन से खाता हुआ आ रहा हूँ, जो सीधी सी बात है। काफ़ी मैंने खाया है, बहुत मज़े का लगता है। तो साथ साथ बनाते जाएं, फिर हम इनसे बात करते हैं। काफ़ी रश था इनके पास, जिसके वजह से हमें बहुत मुश्किल से इनको टाइम दे पा रहे हैं ये। जी व्यूअर्स, उन्होंने गोलगप्पे हमारे लिए बनाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले चने में मसाला डाले हैं। मसाले कौन कौन से हैं बॉस? मसाला कुटी मिर्च, चाट मसाला, नमक, ग्रीन रायता है। ठीक है, इनके सलाद भी देखें, काफ़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, लोग जो गोलगप्पे बनाते हैं उसमें खाली चने डालते हैं, चने की चाट डालते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है, जिससे गोलगप्पे का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये गोलगप्पा में इन्होंने भरना शुरू कर दिया है, ये देखें। जी व्यूअर्स, से हमारे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। इसके अब क्या क्या सॉसेज डालते हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या डालेंगे? इसमें हम डालेंगे रायता, ग्रीन रायता। ग्रीन रायता कोई इसमें आपकी स्पेशलिटी है या नॉर्मल जो बनता है? नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें स्पेशलिटी है। इसमें सारे ग्रीन मसाले जितने भी हैं सब डलते हैं, उसके बावजूद और भी इसमें आइटम डलते हैं, बारीक बारीक मसाले। ये देखें व्यूअर्स, ये इन्होंने रायता इसमें डालना शुरू किया है। और इनके गोलगप्पे में देखें चने की चाट कितनी ज़्यादा डाली हुई है। पर डालेंगे मीठा, मीठी चटनी। मीठी चटनी इसमें आलू बुखारा भी होता है, पर आज हमारे पास नहीं है, तो ये मीठा आ गया ऊपर से सर नॉर्मली। ये मीठी चटनी, आलू बुखारा, चीनी, और उसके अलावा क्या डलता है इसमें? इसमें रंग डालते हैं जर्दा वगैरह, जिससे कलर पकड़ लेते। अब इसमें जा रहा है राइट दही, दही बड़े का जो होता है, ये दही है। देखें, देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, कितना भरता जा रहा है गोलगप्पा। फुली लोडेड गोलगप्पे, ये भी हम शो के लिए हल्का सा लगा देते हैं। दोबारा इन्होंने मीठी चटनी इसमें डाली है। और ये गोलगप्पे का पानी आ गया। अच्छा, पानी जो है उसमें आप क्या क्या डालते हैं? ये गोलगप्पे का पानी काफ़ी सारे मसालों से हम बनाते हैं। ये नॉर्मल जो आप देखते हैं ना रेडी वाले, उनके पास जो पानी होता है वो पानी नहीं है हमारे पास। आप एक दफ़ा आएँ और इस्तेमाल करें, ये पानी अलग ही है हमारा। इसमें बहुत सारे मसाले हम इस्तेमाल करते हैं, ऐड करते हैं काफ़ी मसाले जितने भी होते हैं चाट वगैरह के। नॉर्मली जो खट्टे मसाले होते हैं, मतलब उससे पानी तैयार होता है हमारा, बहुत ही लजीज और अच्छा हो गया माशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, इसके पानी में आप टाटरी डालते हैं नहीं, जो नॉर्मली गोलगप्पे वाले टाटरी डाल के खट्टा करके बेचते हैं? नहीं सर, वो टाटरी हम नहीं डालते इसमें। ओके, ठीक है, बगैर टाटरी के इनका है, जो इसका ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है। ये आ गई हमारे हाथ में फुली लोडेड गोलगप्पे, इसका रिव्यू देते हैं आपको। जी व्यूअर्स, से देखें लोडेड गोलगप्पे मेरे हाथ में आ गए हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने डाली हैं जो आप देख चुके हैं। आए इसको ट्राई करते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बचपन से मैं खाता आ रहा हूँ, आज भी वैसे का वैसे ही टेस्ट है इनका। इनके वालिद साहब होते थे, अब उनकी इंतकाल हो गया है, उस टाइम से इनका सेटअप चलता हुआ आ रहा है, 20 साल तकरीबन हो गए हैं। इसको आके ट्राई करें,
उसका फीडबैक हमारे चैनल पे दें, कैसे लगे आपको। इसकी लोकेशन बोर्ड ऑफिस साइमा ब्रिजू बिल्डिंग के नीचे ये होते हैं। पानी भी बहुत ज़बरदस्त है, गोलगप्पे भी बहुत ज़बरदस्त हैं। 120 रुपए के ये 12 गोलगप्पे देते हैं। उसके अलावा इनके पास चने की चाट भी है और जो दही बड़े भी हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से आके खाएँ। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। टॉयलेट डिस्कवर की जगह से तला जमाल, अल्लाह हाफिज़।